नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का पहला अध्याय, हमारा समाज विविधता से भरा। आइए दोस्तों देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों आज हम अपने आसपास का सामाजिक जीवन देखेंगे, जिसमें बहुरंगी विविधता वाला हमारा देश भारत में भौगोलिक विविधता और धार्मिक तथा सांस्कृतिक के साथ साथ सामाजिक विविधता के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम अपने आसपास के सामाजिक जीवन पर एक नज़र डालते हैं। बच्चों, हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, पर्व त्यौहार के साथ साथ उनकी भाषाओं में भी विविधता देखने को मिलती है। इसी प्रकार की अनेक विविधताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हम जिस परिवार में रहते हैं वह परिवार ही समाज की पहली इकाई होती है, जहाँ से हमें अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और संस्कार प्राप्त होते हैं। एक अच्छा परिवार ही एक अच्छे समाज को बनाता है। बच्चों, परिवार के अलावा हमारा विद्यालय भी एक अच्छे समाज को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ सभी धर्मों के, जातियों के और विभिन्न परिवेशों से बच्चे पढ़ने आते हैं। सभी बच्चे भाईचारे से प्रेम पूर्वक रहते हैं, सभी एक साथ खेलते कूदते और अनुशासन सीखते हैं। आइए दोस्तों अब हम अपने भारत देश की विभिन्नता के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और विश्व में आबादी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश हमारे देश को कहा जाता है। हमारे देश में इतनी विविधता होने के बावजूद भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। अनेकता में एकता ही भारत की प्रमुख विशेषता है। अब हम भारत में विविधता के प्रमुख प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम भौगोलिक विविधता के बारे में जानते हैं। बच्चों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में अरब सागर है। बच्चों, हिमालय से सटे जो भी इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है, वहीं राजस्थान के इलाकों में काफ़ी गर्मी देखी जाती है। एक और मेघालय बारिश के मामले में विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो दूसरी ओर राजस्थान में बहुत सूखा देखा जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है और बारिश ना के बराबर होती है। आइए दोस्तों अब धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, दुनिया के चार प्रमुख धर्मों का उद्भव भारत में माना जाता है, जिसमें हिंदू, सिख, जैन तथा बौद्ध धर्म प्रमुख हैं। इसके अलावा भारत में इस्लाम धर्म, पारसी धर्म तथा ईसाई धर्म के लोग भी निवास करते हैं। बच्चों, हिंदू धर्म में शैव, शाक्त तथा वैष्णव प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत हैं तथा इनके प्रमुख त्योहारों में होली तथा दिवाली को देखा जा सकता है। वहीं इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान शरीफ है, इनका प्रमुख त्योहार ईद के रूप में जाना जाता है। बच्चों, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है तथा यहाँ प्रमुख त्योहार के रूप में क्रिसमस मनाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का प्रमुख पवित्र ग्रंथ है। इसके अलावा भारत में अनेक क्षेत्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें बैसाखी, बिहू, छठ, पोंगल तथा कर्मा और सरहुल जैसे प्रमुख त्यौहार हैं। आइए अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। बच्चों, हमने सीखा हमारे आसपास का सामाजिक जीवन कैसा है। हमने अपने
विविधता वाले देश भारत में भौगोलिक विविधता के बारे में जाना, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आप इन सभी बिंदुओं को एक बार जरूर घर पर देखिएगा। आइए अब देखते हैं हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे। बच्चों, अगली वीडियो में हम भारत में विविधता के अन्य प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें खान पान की विविधता, भाषाई विविधता, परिधान की विविधता तथा आर्थिक विविधता के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।